अनलॉक शुरू होते ही सबसे पहली उम्मीद फिल्म के मेकर्स और सिनेमा घरों के मालिकों के दिलों में जगी है। बीते एक साल से काम धंधा सब ठप पड़ा हुआ है, ऊपर से कंगाली में आटा गीला कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से। मगर अब उम्मीद की जा रही है कि कोविड के कम केसेस और सिचुएशन को बेहतर होता देख इस महीने के आखिरी तक सिनेमा घर खोल दिए जाएंगे और फिल्मों की रिलीजिंग स्टार्ट की जाएगी। हालांकि मेकर्स और खुद सिनेमा हॉल मालिकों को उन बड़ी फिल्मों का इंतजार है जो उनकी किस्मत चमका सकती हैं। अगर उन बिगीज की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, शाहरुख खान की पठान, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र शामिल है। इन सभी फिल्मों से उम्मीद की जा रही है कि ये सिनेमा के बिजनेस को वापस पटरी पर लेकर आए। सूर्यवंशी अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म पिछले दो सालों से रिलीजिंग का मुंह ताक रही है, लेकिन अब लगता है कि वो समय जल्द ही आने वाला है जब फिल्म रिलीज होगी। वैसे तो फिल्म को 2020 में ही रिलीज करना था, मगर कोरोना की वजह से ऐसा हो नहीं पाया, तो दूसरी बार फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन एक बार फिर से कोविड केसेस ने रफ्तार पकड़ी और फिर से फिल्म की रिलीज अटक गई। ऐसे में फिल्म दो साल से अटकी पड़ी है, कहीं इस वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर घाटा ना हो जाए। वो बात अलग है कि अभी भी फिल्म का बस काफी ज्यादा है। पठान, इस फिल्म से शाहरुख की वापसी हो रही है तो फिल्म का खबरों में बने रहना बेहद ही लाजमी है। ऊपर से फिल्म में शाहरुख और दीपिका एक दमदार एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं, वो भी जॉन अब्राहम को टक्कर देते हुए। ऊपर से फिल्म में सलमान का कैमियो भी होने वाला है, जिसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने इसको हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और तो और फिल्म का लेवल देख ये कहना गलत नहीं होगा कि पठान अपने आप में ही एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की अपनी फिल्मों को रिलीज करने की एक अलग ही स्ट्रेटेजी होती है। वो हर 3 से 4 साल बाद अपनी एक क्लासिक फिल्म लेकर आते हैं और किसी खास दिन पर रिलीज कर तबाही मचा देते हैं। वो बात अलग है कि उनकी लाल सिंह चड्ढा कोरोना की वजह से डिले पर डिले होती नजर आ रही है, मगर अनडाउटफुली इस फिल्म से आमिर ने बॉक्स ऑफिस का टेम्परेचर हाई कर देना है। ब्रह्मास्त्र, रणवीर आलिया की ब्रह्मास्त्र पिछले 4 साल से प्रोडक्शन फेज में ही है। कभी फिल्म की शूटिंग किसी वजह से रुकती है तो कभी किसी वजह से पॉज हो जाती है, ऐसे में फिल्म का नुकसान भी काफी हुआ है। इस फिल्म में कई नामी चेहरे हैं, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट के साथ फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो भी है। ऐसे में इस फिल्म को अपने भारी भरकम बजट की वसूली करने के लिए बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करनी होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी फिल्म के नाम बॉक्स ऑफिस को जीतने का खिताब जाएगा, कलेक्शन के मामले में कौन सी फिल्म बनेगी सिनेमा घरों का राजा और किसको खानी पड़ेगी मुंह की। आपको क्या लगता है कि किस फिल्म ने सिनेमा हॉल खुलते ही और रिलीजिंग का सिलसिला शुरू होते ही सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर जाने हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अपने जवाब हमारे साथ। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।